मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने वाले हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान से प्याज इंपोर्ट करके हमारे किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। आखिर सरकार की नीति क्या है? यही वो सवाल है जिसका गणित किसी की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सरकार प्याज का आयात क्यों कर रही है। दरअसल सरकारी संस्था MMTC ने पाकिस्तान, मिस्र, चीन और अफगानिस्तान से 2000 टन प्याज आयात के लिए बिट्स मंगाई है। ऐसे में प्याज किसानों को घाटा होने का डर सता रहा है। सरकार के इस फैसले पर किसानों का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। बाहर से प्याज नहीं मंगाना चाहिए, क्योंकि जब 2-3 रुपए जब भाव था खेती वाले में, किसानों ने वो रस्ते पे फेंक दिया था प्याज। बहुत सादा माल तो बारिश की वजह से सड़ गया है। ऊपर से अगर अभी उनके नसीब से अगर बाजार 2803 अगर हुई है तो अच्छी है। सरकार ने बाहर से प्याज नहीं मंगाना चाहिए। एक्चुअली एक हिसाब से देखा जाएगा तो किसान के ऊपर सरकार अन्याय कर रही है, अत्याचारी कर रही है। फिलहाल बाजार में प्याज के दाम थोड़े बढ़े हुए हैं। नासिक मंडी में अप्रैल के दौरान प्याज की कीमत 830 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो अगस्त आते आते 1880 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। इस महीने प्याज की औसत कीमत 2377 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है, जबकि महानगरों में प्याज की कीमत 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। हालांकि नवंबर में खरीफ सीजन की प्याज बाजार में आना शुरू हो जाएगी, जिससे कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। वहीं MMTC ने जो प्याज आयात की है उसकी डिलीवरी भी नवंबर महीने में होगी। ऐसे में किसानों को फसलों की सही कीमत के लिए जूझना पड़ सकता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। अक्टूबर में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र मध्य प्रदेश में प्याज मार्केट में आने वाला है। लेकिन अगर सरकार पाकिस्तान जैसे देश से प्याज आयात करते है तो पूरे देश में जहां जहां प्याज उत्पादक किसान है उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे पहले सरकार प्याज की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए इसके निर्यात पर रोक लगा चुकी है। हालांकि जानकार सरकार की प्याज नीति पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं किसानों को भी डर सता रहा है कि कहीं बीते साल की तरह इस बार भी प्याज सड़कों पर तो नहीं फेंकनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के नासिक से भरत घनदाट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।